नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आप, आज मैं यहाँ करनाल में आया हुआ था तो मेरे को ना यहाँ एक ओके की दुकान मिली थी, तो इस दुकान पे ना बड़े अच्छे अच्छे ओके मिले और बहुत अच्छी अच्छी वेराइटियाँ थी इसके अंदर। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा आप लोगों को कितने प्रकार के, कितने बढ़िया बढ़िया ओके बना रखे हैं इन्होंने। ये जैसे यहाँ पर बाहर लगा रखे सैंपल के लिए, और कुछ ओके ये हैं स्पेशल डिज़ाइन के लिए भी हैं, और इन ओके में ना बहुत वेराइटियाँ हैं। देखोगे तो आप लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा और इनकी क्या ख़ास बात है और ये क्या क्या, जैसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना ये डिज़ाइन कर लेते हैं, इन्होंने कर भी रखे हैं। तो इस वीडियो में चलो इनसे बात करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में पता करेंगे, दुकान का पता करेंगे, बताऊंगा आपको एड्रेस वगैरह भी, नंबर भी दूंगा। और आप जैसे अपना चाहो ना ओक्का, मनमर्जी का ओक्का चाहो बनवाना चाहते हो तो मनमर्जी का ओक्का भी आपके लिए बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं और फिर सारे ओक्कों के बारे में बताएंगे भाई क्या क्या इनके पास स्पेशलिस्ट है इस चीज़ के लिए। नमस्कार जी। नमस्ते। एक बार अपना नाम पता बताओ जी। मेरा नाम है राजिंदर खरौलिया कतमा खुमंडार। हाँ जी, हाँ करनाल, करनाल में। एक चीज़ बताओ, जैसे आप कितने साल से इस लाइन में हो? लाइन में तीसरी पीढ़ी है हमारी। तीसरी पीढ़ी है? और यहाँ करनाल में 10 साल हो गए। अच्छा, करनाल में 10 साल हो गए आपने। वैसे तीसरी पीढ़ी अपनी जो ओक्के का काम करते रहे, तो जैसे अपने ओक्के की जैसे आपकी खास बात के है? खास बात भाई, हम हाथ के लिए तैयार करा हाँ। अच्छा। बड़ा बड़ा सामान नहीं लेकर सारा काम हाथ का बनाओ? कोई मशीन नहीं हमारे पास। अच्छा, मतलब हाथ की कलाकारी है, दस्तकारी हाथ की है सारी है। जो माले बहुत सारे बंदे आजकल वजह से डिजाइन बनवाना चाहो अलग अलग टाइप के, सब बन जाएंगे, हर टाइप का बना दो, हर एक चीज बन जाओगी चाहे किस साइज बनवाना हो। एक बार इन ओके जो आपने रख रखे इनकी खास बात बताओ थोड़ा, एक बार थोड़ा बताओ इनका क्या क्या खास है इन चीज़ों में। तो पहले इसे ओके ने ले लिया भाई, जैसे इसमें क्या खास बात है जैसे अपने यहाँ? सारा टोटली लकड़ी का है, यह चीज़ अलग है इसकी। अच्छा, ये सारा टोटली लकड़ी का है, ज्वाइंट है। अच्छा, यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया आपने, ये अलग लकड़ी का लगा के ज्वाइंट कर दिया, चीज़ अलग है इसकी। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर फिर ज्वाइंट आ गया, यह चीज़ अलग है, ये ज्वाइंट आ गया। अच्छा, ये भी ज्वाइंट अलग है। अच्छा, ये तो अलग अलग हो जहाँ अपनी अलग अलग, ठीक ठीक। मतलब यह सारा जो ये इसमें खास बात है जो ये लकड़ी की है पूरी, पूरी ने जो यहाँ पर मोस्टली पित्तल की आया करा, तो ये आपने लकड़ी की लगा रहा है, लकड़ी की बना रही, ठीक ठीक। इसमें यह खास बात कर रखी आपने, और इस ओके में क्या है खास बात इसमें? इसमें भाई टोटली लकड़ी का है। अच्छा अच्छा, नीचे का भी लकड़ी का है। अच्छा, नीचे भी लकड़ी का है? हाँ बिल्कुल लकड़ी का है। अच्छा अच्छा, इसमें लकड़ी लगा रखी है आपने प्रॉपर तरीके, लकड़ी है, ठीक ठीक। लेकिन यू फिक्स होगा? अच्छा, ये फिक्स हो गया, खुल रहा नहीं। अच्छा, खुलेगा नहीं? खुल रहा नहीं। यू कारण क्या है इसका ना खुलने का? लकड़ी जैसे चिपकाई जा रही मोस्टली से। अच्छा, यू जो गट्ठा बना के ना ताकि लीक ना हो। अच्छा, लीकेज ना हो इसलिए फिक्स करते हैं इसमें सारे के सारे ओके ना पूरे। इसमें जैसे डिजाइन ही अलग अलग बन सकते हैं? बिल्कुल बन जाएंगे, किसाई भी डिजाइन बनवा लो। अच्छा, अलग है कभी इसका, अलग अलग है। अच्छा, यो इस ओके में क्या खास बात है इसमें? इन्हें उधर घुमा दो, इसमें क्या खास बात है पूरे ओके में? ये सारा पित्तल का है, कोई लकड़ी नहीं है इसमें, ये चीज भी अलग है बिल्कुल। अच्छा, ये भी अलग अलग पित्तल के सारे, ठीक 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 ठीक। अच्छा, नीचे चक्री भी पित्तल की है, ऊपर से लेकर नीचे तक पित्तल का है सारा, चलन पित्तल का है। अच्छा अच्छा, कितने किलो का होगा ये लगभग? इसमें लगभग होगा 15 किलो वजन। अच्छा, 15 किलो वेट है इसमें? अरे वाह, बहुत भारी हो तो। ये तो बच्चा वैसे ला भी देते गिरने का चांस नहीं इसका तो। यो हमारा बिड्डू, अरे वाह आदमी जितना होगा क्या फुट का होगा ये होगा कम तक? कम भी भाई फुट तो देखे हाइट मापी नहीं, 3.5-4 का तो पाव होगा, चलम चलम करके 3.5-4 फुट का, 4 फुट नाम तो है, ठीक। टोटल वेट कितना है इसका? टोटल वेट इसमें 31 किलो। अच्छा, 31 किलो वेट है इसमें, अरे वाह। सारी पित्तल की है या दोस्तों? अच्छा, ये सारी अच्छा, ये लकड़ी के ऊपर है या पित्तल है? सारा पित्तल है। अच्छा, सारा पित्तल का बना रखा है अपने यहाँ से? ये एक लकड़ी है सिर्फ, ये एक लकड़ी है बस। ये इसमें पानी कितने लीटर आ जाता होगा इसमें? इसमें 2 बाल्टी है जी। दो बाल्टी अच्छा, आपने नीचे चक्री भारी बना रखी है ताकि हिलका गिरे ना आयो किसी तरीके से भी, ठीक ठीक ठीक। घुमान की सुविधा दे रखी इसमें? अच्छा, यो है बढ़िया ओक्का, एक नंबर का मर्दाना ओक्का। अरे इस ओक्के में क्या खास है ऐसा? इस ओक्के में खास बात यह है कि वे पहले बनाया करते हैं कंप्लीट लकड़ी का। अच्छा जी। तो उसमें फिर बदबू हो जाए अर्धी, वो खुलने के उसमें हाँ ना खुला करता सब बदबू हो जाए, ये खुल जाएगा साफ हो जाएगा, नीचे पित्तल का है ऊपर लकड़ी का है। ये जैसे आपने ना यहाँ पर जैसे शेर टाइप का बना रखा डिजाइन, यो भाई जैसे मुँह है जो इसका शेर टाइप का बना रखा है, तब बंदा जैसे इसमें आपने और कौन कौन से डिजाइन बनाए? इतने डिजाइन बनवा लो, किसे बना बनवा लो वही बना देंगे। अच्छा, जैसे बंदा कोई बंदे कहें हमने
किसी भी टाइप का चाहिए, मतलब शेर टाइप का चाहिए, बंदूक चाहिए उस पर? बंदूक भी बन जाएगी सारे। अच्छा, बंदूक भी बना देंगे? बिल्कुल। सही है, मतलब सही ओका है तो है। इसमें कितना वेट होगा टोटल? बनता था 10 किलो। अच्छा, 10 किलो वेट है टोटल? अच्छा टोटल में। ठीक। अच्छा, सारा यो इसमें यो है पूरा लकड़ी का है, बस यो नीचे तो यहाँ तक लेकर पीतल का, बस ताकि खोलने के लिए बनावा, ताकि जो लकड़ी वाले में जैसे ना काई जम जाए थोड़े टाइम के बाद, इसमें काई नहीं जमेगी, तो उसमें सफाई नहीं हो सकती, इसमें सफाई हो जाएगी। अच्छा, और तो बाकी जो अपने जर्नल जो के बनाओ हो तो सारे वो है। तो एक चीज़ बताओ, जैसे मान ले आप जैसे खास जैसे यही बना रहे हो ना भाई, जैसे आप हाथ से ओका बनाते हो, एक तो लकड़ी का लगभग पूरा लकड़ी का ही बना दोगे, और कुछ नया क्या कर सको आप? पीतल का भी नया बनावा हमारे कंप्लीट ओका, हाथ के लिए बनावा, कोई मशीन नहीं। अच्छा, हाथ के लिए बनावा, कोई मशीन नहीं होती? मतलब जैसा बंदा चाहो वैसा डिजाइन बना दोगे, जितना भारी का उतना भारी? एक डिजाइन बना दिया तो दोबारा नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि जो मान ले आपने लिया या इस भाई ने लिया तो उसकी बात चीज फेल ना हो। अच्छा, मतलब जो एक बार जो आपने बना दिया डिजाइन, दोबारा उसके किसी के लिए नहीं बनाओगे? उससे अलग बनाओ। अच्छा, उससे अलग बनाओगे, बढ़िया, ताकि जो आपके पचीस के पास गा वो यूनिक रहेगा उसके पास। अरे भैया, अभी सही अच्छी सोच है जी आपकी, इस मामले में तो बढ़िया लग गया इस चीज़ का। और छोटे छोटा कौन सा, छोटे छोटा मिल जाएगा आपके पास? सब कुछ मिल जाएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सारा हैंडमेड होगा। खरीद लिया वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास यूनिक है। अच्छा, ओका तो सारा यही था सारा समय। ठीक है, अपना सही है, मतलब ट्रस्टेड आदमी है कुल मिला के, भरोसेमंद है अपने। यहाँ के 10 साल तो बैठे हो ना आप? 10 साल। अच्छा, एक चीज़ बताए, मान ले कोई बंदा ओका लेना चाहो है, तो उसने किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए छोटा छोटा भाई? ओका ले लिया, सबसे पहली चीज़ तो है उसकी साफ सफाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दूसरी बात है उसका तेल सरसों का लगदा रहो, चाहे वो पीतल का है चाहे लकड़ी का है। अच्छा, वो कदे भी खराब नहीं होता। ठीक। तार लूज नहीं हो, कोई लीकेज नहीं हो कहीं। समझ गए। तेल और चमक भी बनी रहेगी उसमें। तेल जो है वो धूड़ मिट्टी की पकड़ करेगा। हाँ, पकड़ कर रहेगा जी। उसके ज्वाइंट जो है उसका पक्का रहेगा। अच्छा, उसमें तेल की मालिश करो बस, चाहे पीतल का है चाहे लकड़ी का है। और जैसे आजकल जो नीचे पानी डालने वाला जो लकड़ी का ले हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आवा है थोड़े दिन के बाद? सबसे बड़ी समस्या यह आवा है, एक तो उसकी रिपेयर नहीं होगी दोबारा। अच्छा जी, सबसे पहले। दूसरी बात, उसमें बदबू हो जाए वो बंद रहे। कारण क्या? काई जम जाए नीचे? अंदर काई जम जाए है। अच्छा, तो सफाई तो होनी नहीं अंदर की। हाँ। तो इस कारण उसमें काई जम जाए है। कुछ टाइम के बाद उसमें स्मेल आने लग जाएगी। वो बढ़िया तम्बाकू नहीं आओ, थोड़ी वो टेस्ट नहीं आओगे। ठीक, जो आप टेस्ट चाह रहे हो वो नहीं आओ। तो खोल के टाइम से साफ करना चाहिए, तो उसमें सफाई का ध्यान रखेंगे ना, तो अंदर स्मेल नहीं होगी। नहीं, ये तो है भाई, देखो कसम सफाई तो करनी चाहिए भाई, महीने में 10 दिन में 15 दिन में। अच्छा, आप इसके मतलब लॉयल कस्टमर हो इनके? अच्छा, गाड़ी में सामान लेने स्पेशल यहीं आओ? अच्छा, ठीक। अच्छा, स्पेशल ओका यहीं लेना आओ, बीच में कहीं नहीं रुकते। और भी दुकान बतेरी होंगी? अच्छा, नहीं वो तो खड़ा हर जगह है, दुकान तो बतेरी है, पर जो स्पेशल हाँ यह तो है भाई, जहाँ सामान अच्छा मिला आदमी वहीं जाएगा, तो मकुआ टेस्ट भी है, जैसे आप बता रहे हो इतनी दूर तक आओ हो बार बार लेने इससे के पास आओ, सारा से आपने दुकान भी कर रखी, वो भी यहीं था सारा मटेरियल, तो कुल मिला ब्रांड ही नहीं की चल रही। अच्छा, मतलब जैसा चाहो वैसा ओका मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से रेट में वो है, जैसे जैसा गुड़ डाले उतना मीठा मिल जाएगा। रेट तो देखो तकरीबन सारी जगह एक के हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ का फर्क हुआ है, क्वालिटी का फर्क हुआ है। क्वालिटी का तो है जी, उसकी उसके हिसाब से ऊपर नीचे रेट होता है। एक चीज़ और भी है, जैसे आप बता रहे हो हाथ की दस्तकारी है जी आपकी, आप जो भी बना रहे हो यूनिक बनाओगे, और हाथ का हाथ का अपना किस किस टाइप के डिजाइन बनाए अब तक जो आपका ध्यान होता है? बहुत गणे बनाए, याद भी नहीं होने इतने। याद नहीं रहते? ठीक। अच्छा, छोटा भाई आपका? अच्छा अच्छा, साथ में आप भी साथ में काम करोगे? अच्छा, इकट्ठे करोगे काम? आप भी हाथ का काम करोगे खुद का? है सारा खुद करो ना जी? ना सही, आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हो, तीसरी पीढ़ी में आ गई बात या और उसका भगवान है, तो चौथी में चली जानी हूँ हम जानी हूँ भाई। बढ़िया, हाथ के कलाकारी तो देखो बढ़ाएगी जिस चीज़ का। सही बात। अच्छा, दोनों भाई मिलकर अपना जो है हैंडमेड बनाते सारा।
टोटली। चलो जी मैं आपका दुकान का एड्रेस दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि भाई नो का लेना होना जैसा भी डिजाइन का चाहो, आजकल जैसे ये बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं इस टाइप के ओके। तो ये तो एक देखो लकड़ी का है, इसमें जो डिजाइन बना इसमें अपना जोन सा चाहो वैसा डिजाइन बना सकते हो। इन्होंने मेरे को फोटो में दिखाया था, यहाँ पे ना गन लगा रखी थी इन्होंने प्रॉपर, जैसे बंदूक होती है वो लगा रखी थी। ये अपना एक ओक्का बड़ा बिड्डू, इनका वेट भी बहुत भारी है, तो भाई बहुत भारा ओक्का है, इसका तो रेट भी अलग होगा। मैं वो तो पीतल है पूरा, पीतल लो पात रखे पूरा पूरा पीतल। अच्छा 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 ये हो अपना, ठीक 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 ठीक, रोलिया हुक्का हुआ है तम्बाकू बंडा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, इस नंबर पर कॉल कर लेना आप चाहे बेशक से। और लकड़ियाँ चाहो लकड़ी का बनवा लो, और इनका ना जो ये है मेन दुकान तेरा जो आपने मिलेगा जहाँ पे, नंबर इनका मैं नीचे भी डाल दूंगा, आप इन पर कॉल करके पता कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बंदे हो ना हुक्को की जो वेराइटी की बात आती है ना, वेराइटी इनके पास बहुत ज़्यादा है वेराइटी को लेकर। तो यही था भाई मेन तो मोटिव हमारा, और अंदर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है दुकान में, भरी पड़ी है दुकान, ऐसा कि नहीं हुआ दुकान में कोई कमी हो सामान की। अभी मैं एक घंटा बैठा हूँ, एक घंटे में कम से कम इनके 7-8 होके बिक गए होंगे। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है नीचे, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हो। चलो जी थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर, आपने बड़ी सी चीज़ बना रखी, यूनिक यूनिक चीज़ें बना कर रख रखी हैं। तो यही था भाई, जैसी वीडियो लगे कमेंट करें जरूर बताना, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।